जी असलम माशाज हम सब आपके जवाबा से बहुत माजूज होते हैं और इलम में इजाफे का भी मौका मिलता है और आज का सवाल भी बड़ा अहम था और बहुत अरसे सोशल मीडिया पर चल भी रहा है तो हम हमारी ख्वाहिश हुई कि आपकी राय भी इस पर मालूम कर लें तो हजरत सवाल ये था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी महंगी बड़ी और महंगी शादी के बारे में अभी आपको जैसे पता होगा की दो अरब या दो सौ करोड़ की ये शादी हुई है जिसमें जलार एंड संग और मास्टर टाइर्ज वालों ने अपने बच्चों की शादी में 200 करोड़ खर्च किए डेकोरेशन पर और इसी तरह से खाने पीने पर इतने किस्म के खाने और फिर उसमें गाने गाने के लिए उन्होंने राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम जैसे बड़े गुलकारों को भी बुलाया और सबसे जो अजीब बात इसमें वो हुई है जिसके बारे में सवाल भी है कि निकाह पढ़ाने वाले जो है इसमें वो मुबल इस्लाम मौलाना तारिक जमीर साहब जो एक तरफ तो इतबाए सुन्नत और सादगी और खर्च में म्याना रबी की तालीम देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फकर फाका वाली जिंदगी और सहाबा की कसम पूर्ति के किस्से सुनाते हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने इतनी महंगी शादी में ना सिर्फ ये कि शिरकत की और उनका निकाह पढ़ाया और ऐसे में उन्होंने उनको इस हवाले से कोई ऐसी तालीम भी नहीं दी कि उन्होंने वो ये ऐसा करना उनके लिए सही था कि गरीब मुल्क में जहाँ इतने गरीब बाशिंदे हैं जिनको सुबह शाम खाने को नहीं मिलता उनके बारे में कोई उन्होंने ऐसा कोई सामने नहीं आया कि कोई ऐसी तालीम दी हो क्या वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कोई न्यायाना रवि का रास्ता नहीं कर सकते ये थे ये थोड़ा सा हम जानना चाह रहे थे आज बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रामम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सेंसिटिव मौजू उठाया है और ये पाकिस्तान के अंदर 200 करोड़ की जो शादी हुई है दो अरब रुपए की और मैंने भी खैर वो सोशल मीडिया पे खबरें इसकी देखी हैं कि बहुत महंगी तरीन शादी हुई है तो बहरहाल जो है करने वालों ने इतनी महंगी तरीन शादी कर डाली और फिर सबसे मेन बुनियादी जैसे आपने फरमाया कि मौलाना तारिक जमील मलिक इस्लाम व शिरकत ना सिर्फ की बल्कि निकाह पढ़ाया उन्होंने तो पहली बात तो यह है कि वो आपका दर्द और आपकी फ़िक्र बहुत अच्छी है कि गरीब मलक के अंदर इतनी महंगी तरीन शादी होना जो दो करोड़ की अगर वो शादी हुई है तो वाकई बड़ी महंगी तरीन शादी है और वो जो है और एक गरीब मुल्क तो इसका मुतमिल नहीं है और फिर ये सवाल कि दो सौ करोड़ कैसे आया जो आदमी दो सौ करोड़ खर्च कर रहा है उसके पास पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ मौजूद होगा कि वो दो सौ करोड़ खर्च किया है। और वह अब टैक्स कितना देता है सालाना मुल्क व कौम को तो वो भी एनालाइज होना चाहिए तो ये एक मुस्तकिल अलग मौजू और बाब खुल जाता है लेकिन जहाँ तक मेरे लम में है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो है मुबलिक इस्लाम उनका निकाह पढ़ाना उनके जो है वहाँ शिरकत करना फिर जैसे आपने पता कि उन्होंने भी कोई ऐसी जो है तालीम नहीं दी जबकि खुद जो है इतने सुनना और तो सादगी की तालीम देते हैं लेकिन इतनी महंगी शादी के अंदर जाकर उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की है तो पहली बात तो यह कि मेरे जहाँ तक इलम में है और मैंने मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनकी एक वजाहत भी मेरे सुनने में आई जो मौलाना सज्जाद नुमानी मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामद तो बरकातुम आलिया इंडिया के जो एक है बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जो उस पर तनकीद किया लहदे की है तो मौलाना तार जमील साहब ने उसकी वजाहत पेश की और ज़ाहिर है कि ये मुबल इस्लाम मौलता तार जमील साहब का भी बड़ा पन है कि उन्होंने एक बुज़ुर्ग की डांट पर जो है उसकी वजाहत पेश की वरना आज की दुनिया में कौन किस बात की क्यर करता है तो ये मोतार जमील साहब की बड़ाई है कि उन्होंने जो उसकी वजाहत पेश की और उन्होंने अपना उज़र वाजे किया उसके अंदर जो, जो मोतार जमील साहब ने जो शाद फरमाया कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल झूठ करार दिया कि ये दो अरब रुपए की शादी यानी दो सौ करोड़ की शादी है बल्कि जैसे उन्होंने माँ नंबर जिक्र किए हैं गलबन उन्होंने कहा कि दस करोड़ की क्योंकि ये बात जब सामने आई तो कहते मैंने पूछा उनसे कि उन्होंने कहा कि दस करोड़ की शादी हुई है बारह दस करोड़ भी एक बड़ी रकम है तो दस करोड़ की शादी हुई और फिर उन्होंने यह भी एतराज़ उन पर पड़ा था कि उनको यह दस लाख रुपये मिले तो मोहताज जी मील साहब ने उसकी वजाहत की कि यह भी एक बहुत बड़ा दाली मीडिया का झूठ है कि जनाब वो दस लाख मुझे मिले तो असल बात यह कि मीडिया जो है किसी मौलवी के बारे में ऐसी अगर बात करता है तो मीडिया को तो मुँह नहीं है मीडिया तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो चलता है और ख़ास पर मौलवियों के ऊपर कीचे उछालना यह जो है वो उनकी जो है वो रविश है लिहाजा कोई मौलवी जो जिसको अल्लाह तबारक करता मुआशरती तौर पर इज़्ज़त दे रखी हो और दौलत तो सरबत दे रखी हो तो ये जो है हमारा मुआश उसको बर्दाश्त नहीं करता तो इसलिए मोतार जमील साहब पर यह इतराज किया लेकिन उन्होंने जो वजाहत की है और बिल्कुल अगर उन वजाहत पर अगर आपको यकीन है तो बिल्कुल बात मुनासिब है और बाकी दस करोड़ की उन्होंने शादी की है हाँ अलबत्त मैं शादी वालों से ऐसी शादी करने वालों से मैं एक दरख्वा ज़रूर करूँगा ठीक है आप दस करोड़ की शादी करें वो कोई आपको अल्लाह ने नवाज़ा है आप जितना चाहे ख़र्च करें आप अगर जो नहीं जो वो किफायत शा के साथ करना चाहते है, आपको नवाजा है, आप करें लेकिन अगर वो एक काम ये करें कि ऐसी अजीम शान शादी के मौके पर गरीबों का ना भूलें मुल्क और शहर के गुरबा को अब मसाकिन और मोहताज और भूखों को इग्नोर ना करें तो इनकी ये आलिशान शादी भी इबादत बन जाए ये मतलब है कि ये दस करोड़ की जो शादी है जैसे इन्होंने वो शामियाने लगाए और बड़े बड़े मालदारों को वहाँ बिठाया और उसको जर्खबर किया और ट्वेंटी सेवन किस्म की खाने पीने की वहाँ डिशे रखी और मीठे की एक कि एक किस्म ऐसी ऐसी किस्में मीठे की क्या अकल हैरान तो ये कम अज़ कम ये करते उस जगह पर एक और टेंट लगा देते जिसके अंदर जो बिठा देते कि ये पांच हजार गरीब आ जाए शहर के पांच हजार गरीबों का खाना वहां लगा दो जी दस हजार गरीबों का खाना के लगा दो दो हज़ार गरीबों का खाना लगा दो तो एक टेंट सिर्फ गौरबा के लगा दिया जाता इस इलाके और शहर के जितने गरीब हैं वो आ जाए खाना खाएं तो अगर इधर गरीबों को भी खाना खिला दिया जाता दस हजार गरीब भी खाना खाते दस गरीबों कितना खर्च होता जहाँ दस करोड़ खर्च कर दिया आपने तो गरीबों को खाना इधर दस हज़ार उस शहर और इलाके गरीब भी खाना खा रहे होते तो आपकी ये शादी जो है ना ये शादी भी लोगों को इबादत लगती लोग कहते जी माशाल्लाह कोई बात नहीं ठीक है नवाजा इन्होंने किया है लेकिन यार देखो दस हज़ार गरीब भी पेड़ भर के गए भाई बल्कि बांध बांध के थैलियाँ ले गए अगले एक हफ्ते के लिए तो मैं ये कहा करता हूँ कि हमारी कौम को जो है सियासत भी नहीं आती सदाकत तो नसीब में है नहीं सियासत भी करनी नहीं आती अगर सियासत भी करनी होती तो वो गरीबों का टेंट लगा दिया करें भाई वरना मैं तो सदाकत की सबक देता हूं सदाकत के साथ आप गरीबों को वहां याद रखा करें ताकि गरीब भी वहां खाना खा के जाते दस हजार पांच हजार गरीब भी खाना खा के जाते और उनका टेंट लगा होता और शान के साथ वो भी कुर्सियों पर बैठ के खा रहे होते गरीब फटे पुराने कपड़ों के साथ खा रहे होते खाने तो मैं ये समझता हूं कि यह दस करोड़ की शादी लोगों को भली लगती तो आहिंदा के लिए भी मैं जो रोसा है मुल्क के उनसे दरख्वास्त करता हूँ वो ये काम कर लिया करें सात दस हजार पांच हजार गरीबों का भी टेंट लगा दिया करें कि गरीब यहाँ के खाना क्या कुर्सियों पर बैठ के शान के साथ तो क्या आपका बिगड़ जाएगा जब आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है तो इसलिए दस करोड़ की शादी उसने की अल्लाह उनको नवाजा है तो अल्लाह और नवाजे अहिल इस्लाम को अल्लाह मालदार बनाए मेरा तो ये मौकाफ है अह इस्लाम को अल्लाह मालदार बनाए अपने मालों के से खून नफा उठाएं खु नफ़ा उठाएँ इसलिए हदीस में आता है यरा असर नियमती अलाबदी कि अल्लाह तबारक व ताला जो है अपने बंदों पर अपनी नेमत का असर देखना पसंद करते हैं अगर कोई मालदार है उसको मालदार है तो अच्छी पोशाक अगर पहन निकलता है आला खुशबू लगा के निकल तो अल्लाह खुश होते हैं इसको मैंने नवाज़ा है और यार ही उसका हक अदा कर रहा है अब आपको नवाजा है और आप फटे पुरानी जूठियाँ पहन के फिर रहे हो तो भाई ये अल्लाह तबारक व ताल को तो पसंद ही है इन युह अरा असर नियमती आला आबदी अल्लाह अपनी यह नेमत का असर अपने बंदों के ऊपर देखना पसंद करता है तो अगर किसी को नवाजा है तो खर्च करे लेकिन मैं ये सबक देता हूँ कि गरीबों का ना भूले क्योंकि देखो मेरे कहने से खर्च करने से बाज आने वाले नहीं है लोग जिनको नवाजा वो उसी शान से रहेंगे उनको आगे रोल्स रैज लेने की ताकत तो और रोल्स रायज गाड़ी लेंगे उसको मेरे कहने पर ट्विटर कार कोई नहीं लेगा है किसी का कहते दस, दस कनाल के ऊपर बंगला बनाने की ताकत दस कनाल का ही बनाएगा मेरे कहने पे एक कनाल का नहीं बनाएगा लेकिन मैं ये देख कहता हूं कि वो इस शान से करें लेकिन साथ गरीबों के लिए भी वहां टेंट लगाए गरीब दस हज़ार गरीब भी वहां खाना खा के आए भूखे वहां से अपनी भूख मिटा के जाएँ प्यास से प्यास मिटा के जाएँ उन्हीं कुर्सियों मेज़ों के ऊपर बैठ दें बैठ के खाना खा के जाएँ तो नतीजा क्या होगा तो फिर अल्लाह तबारक बतारे जब देखेगा कि मेरी उम्मत के गरीब भी यहाँ पेट भर के जा रहे हैं और गरीबें हाथ उठा उठा के जब दुआएं करेंगे आपकी दौलतों को इंशाल्लाह शाला की नज़र नहीं लगेगी और अदावत करने वालों की अदावत का कोई असर नहीं पहुँचेगा हाँ ये तो मोह तारिक जमील साहब जो है वो उस फैमिली के साथ ज़ाती ताल्लुका मरासिम थे हाँ उनके असर रसूखा यकीन व आइंदा के लिए उनको ये नसीहत करें बल्कि अभी भी अभी भी उनको नसीहत कर सकते हैं कि यार वो जो हो गई शादी आली वो नज़र बस से बच जाए तो अब दस हज़ार गरीबों को खाना खिला दो एक अली टेंट लगाओ अली उनके बैठने का इंतज़ाम करो और दस हज़ार गरीबों के लिए यहाँ पर जो है वो कौरमा और रोटी खोल दो उनको ज़रा पुराव खिलाओ उस अपने इलाके जो भी उनका इलाका है जिस इलाके में उस शादी हुई है तो जमील साहब से मेरी दरख्वास्त है उनको ये नसीहत कर दें ताकि जिन लोगों के पेट में मरोड़ चल रहा है और जो ये दाली मीडिया जो है हरकतें कर रहा है तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई रिलीफ आ जाए और ये उनकी हाय हुई जो है ये शादी करने वाला जोड़ा उनके ऊपर हाय हुए ना पड़ जाए उनके ऊपर इनकी जो है वो जो है नजरें बंद ना लगे तो मत ताजमील साहब ये किरदार अदा करें कि यार दस हज़ार मरीज़ों के लिए यहाँ लंगर लगाओ और या कुर्सीियों पर बिठा के खरीद को खिलाओ और मौलाना जाके वहाँ दुआएं खैर करा दें इंशाल्लाह मैं समझता हूँ सब बैलेंस हो जाएगा अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन